बाद और इस तरह से कुछ कार्य किया जाता है, देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आ गए अपने वाराणसी के 80 चौराहे पर और यहां से आपको ले चलेंगे ललारा कुंड, जहां से स्नान किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए, वहां तक दिखाते हैं और किस तरह से, जो कि 9 सितंबर को ललारा कुंड स्नान है, तो किस तरह से तैयारी की जा रही है सारा कुछ वीडियो में दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहें। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि सामने रास्ता दिखाई दे रहा है, यह रास्ता चला जाएगा पद्मश्री चौराहे पर और इस साइड में देख पाएंगे जो कि राइट साइड का है, यह लंका की तरफ चला जाएगा और लेफ्ट साइड का जो कि चला जाएगा 80 घाट पर और इस साइड में जो कि चला जाएगा 80 होते हुए बरेनी में, जहाँ की ललारा कुंड स्नान किया जाता है। तो देख पाएंगे कि यह जो कि बांस बांध दिया गया है, जो ललारा कुंड स्नान होता है इसी में लाइन लगा कर जाते हैं और ऊपर जो कि कुछ पर्दे लगा दिए जाते हैं ताकि लोगों को धूप न लगे, कुछ इसी तरह का जो कि तैयारी किया गया है। और आज है जो कि 2 सितंबर और 9 सितंबर को जो कि स्नान है, तो एक हफ्ते पहले से ही तैयारी की जा रही है। देख पाएंगे और दोनों तरफ जो कि बांस गाड़ दिया जाता है ताकि इसी में से लोग लाइन लगा कर जाएँ, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है और लाखों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इसलिए बांस बल्ली बांध दिया जाता है ताकि इसी में भीड़ रहे और इसी तरह ललारा कुंड तक चला जाता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों कि यह जो कि बल्ली एकदम ललारा कुंड तक बांधी जाती है ताकि लोगों को इसमें आसानी से अंदर जा सकें। और कितना अभी कार्य हुआ है यह दिखाते हैं, क्योंकि अभी लगभग 7 से 8 दिन बाकी हैं, क्योंकि 9 तारीख को है और इस समय आपका 2 तारीख है। तो देख पाएंगे किस तरह का जो कि बांस बांधा गया है और इस समय टाइम का बात किया जाए तो यह देख पाएंगे 7:48 हो रहे हैं। यह देख पाएंगे जो कि तुलसी द्वार है, इसी के अंदर जो कि आपका ललारा कुंड मौजूद है और यह रास्ता जो कि सुनारपुरा की तरफ चला जाता है, इस साइड में भी किस तरह से जो कि बल्लियां बांस बांध दी गई हैं, जो कि इस साइड से भी काफ़ी लाइन लगाया जाता है। और इधर देख पाएंगे कि किस तरह से बांधा गया है और यह जो कि लगभग 0.5 किलोमीटर इधर भी होता है, जो कि तुलसी द्वार से और 0.5 किलोमीटर राइट 0.5 किलोमीटर लेफ्ट होता है, आगे तक टोटल बांधा गया है। और चलिए हम घर पहुंच के बात करते हैं आपसे। सब्जियां बेची जा रही हैं क्योंकि यह हर रोज़ का काम होता है, तो यह लोग अपना सब्जियाँ जो कि बेच रही हैं और कुछ इस तरह का जो कि देख पाएंगे कि बांधा हुआ है। तो अब ले चलते हैं आपको तुलसी द्वार के अंदर। दोस्तों देख पा रहे हैं जिस तरह का बल्ली बांधी गई है, इसी तरह जो कि द्वार के अंदर भी जो कि कुंड तक बांधा जाता है और इस समय अभी जो कि समय है एक हफ्ते का, तो इसलिए अभी कार्य पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन आप लोगों को स्नान आते आते यह पूरा हो जाता है। और यह सब जो कि गड्ढे देख रहे हैं, यह सब गड्ढे में ही बांस बांधे जाते हैं। ये देख पा रहे हैं यह गली है जो कि ललारा कुंड जाने के लिए, और एक आगे से भी गली है और इसी गली से ज़्यादातर लोग प्रवेश करते हैं और लाखों की भीड़ होती है और जो कि एक दिन पहले से ही लाइन लगा दिया जाता है, जैसे कि 8 तारीख को सुबह से ही लाइन लगना शुरू हो जाता है और 9 तारीख को 12 बजे रात को स्नान शुरू हो जाता है। और यह गली जो कि आए होंगे लोग वह जानते होंगे कि इसी गली में से जाते हैं और लाखों की भीड़ होती है, सुबह से शाम हो जाते हैं लाइन लगे लगे। तो आप लोग कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आकर यहाँ पर स्नान कर लें ललारा कुंड का, और जिन माताओं बहनों को बच्चे नहीं हो रहे हैं उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो देख पाएंगे आगे आने पर एक छोटी सी दुकान है, कुछ इस तरह का जो कि हाल है और यह सब जो कि पूरा भरा होता है हमेशा, जबकि ललारा कुंड का स्नान होता है तो इस सब टोटल भर जाता है और काफ़ी भीड़ होती है और इस समय भी कुछ लोग वहां पर स्नान कर रहे होंगे। तो यहां देख पाएंगे कि मंदिर के पास आ गए हैं। तो जैसा देख पा रहे हैं कि ललारा कुंड महादेव वही मंदिर के अंदर से जो कि प्रवेश करके कुंड में स्नान किया जाता है, उसके बाद पूजा पाठ किया जाता है
तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। जो माताएं बहनें यह जो कि कार्य करती हैं पूजा पाठ का और स्नान करने का, और देख पा रहे हैं आप उस महिलाएँ जो पूजा कर रही हैं, और यही जो एरिया है, और इस एरिया में जो कि बांस बल्ली काफ़ी सारे बांध दिए जाते हैं ताकि घुमावदार पब्लिक को कंट्रोल किया जा सके, कुछ इसी तरह का इसमें बत्ती बांधा जाता है। और इधर देख पाएंगे कुछ दुकानें भी हैं, और लोलारक कुंड जो कि यही है जो देख पा रहे हैं, जो कि लाल लाल पूरा रंगा हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो वह भी आपको दिखाते हैं। इसके पहले हम आपको चारों तरफ घुमा के दिखा देते हैं, तो देख पाएंगे जो कि यह लोलारक कुंड है। तो देख पाएंगे कि इसी गेट से जो कि अंदर जाकर और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह सब एरिया टोटल भर चुका होता है, और जो कि कपड़े होते हैं ज़्यादातर कपड़े इस सब जगहों पर छोड़ दिए जाते हैं। और कुंड जो कि तीन तरफ से सीढ़ियां हैं, देख पाएंगे एक सीढ़ियां जो कि इस साइड में है, और एक सीढ़ियों पर देख पाएंगे कि जो कि माताएं बहनें इंटर करके बैठी हुई हैं जो कि स्नान करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। और एक सीढ़ी जो कि यह है, जो कि तीन सीढ़ियां इसमें हैं, और तीनों तरफ से काफ़ी लोग जो कि स्नान करते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ होती है। और कुंड में देख पा रहे हैं जो कि पानी भरा जा चुका है, और इसी कुंड में सभी लोग स्नान करते हैं, और जो कि काफ़ी कुछ फल सब्जियां वगैरह चढ़ावा किया जाता है, तो वो सब काफ़ी कुछ चढ़ाए जाते हैं और पूरा कुंड जो कि भर जाता है। और कुछ इसी तरह का देख पाएंगे जो कि पुटली बनाकर गंगा जी में डाला जाता है, कुछ पूजा पाठ करके तभी लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। इस साइड में एरिया देख पाएंगे जो कि ज़्यादातर लोग पूजा पाठ करने के बाद खाना वाना बनाकर जो चढ़ाते हैं इसी साइड में किया जाता है, और उधर जाने के लिए दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा, यह जो कि ताला बंद है, तो उस साइड में भी ले चलते हैं। तो यह देख पाएंगे जो कि मंदिर है, मंदिर के बगल से गली है, और ये सब रास्ता जो कि टोटल भरा जाता है, और इसमें पैदल आने तक की जगह नहीं होती है। और यह देख पाएंगे जो कि कुंड है, इसी में जो कि पानी भरा रहता है, और यह सब स्थान जो कि टोटल देख पाएंगे, इसमें भी पानी आपको दिखाई देगा, ये देख पाएंगे कि पानी दिखाई दे रहा है। और यह वह सीढ़ियां हैं जो कि दिखाए हैं आपको, और इस साइड में माताएं बहनें जो कि बैठी हुई थी, कुछ इस तरह से कुछ लोग जो कि वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो कि स्नान करने के बाद, और इस तरह से कुछ कार्य किया जाता है देख पाएंगे। और जो कि इधर देख पाएंगे तो यह सब टोटल एरिया जो कि भर जाता है, लोग खाना वाना जो कि बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उन लोगों के लिए जो कि पहले से ही कुछ व्यवस्था किया गया देख पा रहे हैं, यह जो कि ईंटे से चूल्हा बनाया गया है, यह सब चूल्हा बनाया गया ईंट से जो कि जिनको कि खाना वाना बनाने में आसानी हो और जो कि पूजा पाठ की सामग्री बना सकें। और ये सब जो कि लाखों की संख्या में भीड़ होती है यहाँ पर, तो कुछ इसी तरह का जो कि हर साल भीड़ होता है, लोलारक कुंड स्नान जो कि लोग करने आते हैं, काफ़ी भारी मात्रा में आते हैं। तो दोस्तों यह मेरा वीडियो जो कि आप लोगों ने देखा, और जिन्होंने नहीं देखा हो सके तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो कि अपने जीवन से परेशान हैं बच्चे के लिए, उनको भी यह वीडियो मिले और वह लोग यहाँ पर आकर स्नान करें, पूजा पाठ करें, ताकि उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।